हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ए नेचर पोइट हु इज विलियम वर्ड्सवर्थ। जब भी हम किसी पोइट का, किसी भी राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं और उसके बेस्ट नोन फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो अबाउट हिज बेस्ट नोन क्रिएशन, अबाउट हिज वेल नोन फेम एंड व्हाट इज दैट इज बेस्ट नोन इन ड्यूरिंग हिज इरा एंड इन विच इरा ही बिलोंग्स, मतलब जिस इरा से वो बिलोंग करता है, जिस इरा से में उसने अपनी क्रिएशन के थ्रू कौन सी क्रिएशन से उसने फेम ली, सबसे ज्यादा उसकी फेमस वर्क कौन सा था, तो उसकी जो अगर उसको कोई उपाधि दी गई हो, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट माना गया था, की संज्ञा दी गई थी, एक और संज्ञा दी गई थी उसको पोइट लॉरेट की, ये दो संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा भी इसकी जो पोइम्स थी वो अबाउट नेचुरल पोइम ज्यादा पब्लिश हुई थी, ज्यादा फेमस हुई थी, और ये सबसे ज्यादा जो जाना जाता था वो भी अबाउट नेचुरल पोइम्स के बारे में जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट हु विद सैमुअल टेलर कोलरिज हेल्प्ड टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलाड्स। जॉइंट पब्लिकेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज, दैट इज लिरिकल बैलाड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न 7 अप्रैल 1770, डाइड इन 23 अप्रैल 1850। स्पाउस था मेरी हंचिनसन। वर्ड्सवर्थ इज बेस्ट नोन फॉर लिरिकल बैलाड्स को रिटर्न विद सैमुअल टेलर कोलरिज एंड द प्रील्यूड ए रोमांटिक एपिक पोएम। प्रील्यूड थी रोमांटिक एपिक पोएम, क्रोनोक्लिंग द ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। वर्ड्सवर्थ्स डीप लव फॉर द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड अर्ली। उसका फेम जो सबसे ज्यादा लव था वो किसके लिए था, अबाउट नेचुरल, उसका जो डीप लव था अबाउट नेचुरल सेंस के लिए था, उस नेचुरल पोइम्स भी लिखी थी। वर्ड्सवर्थ्स मैग्नम ओपस इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द प्रील्यूड, मैग्नम ओपस टू बी द प्रील्यूड ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम ऑफ हिज अर्ली ईयर्स दैट ही रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड ए नंबर ऑफ टाइम्स। इट वॉज पोस्ट्यूमसली टाइटलेड एंड पब्लिश्ड बाई हिज वाइफ इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, बिफोर विच इट वॉज जनरली नोन एज द पोइम ऑफ कोलरिज। ये पोइम ऑफ कोलरिज के नाम से इसलिए जानी गई थी क्योंकि ये पब्लिश हुई थी उसकी बीवी के द्वारा, और पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है आफ्टर हिज डेथ। वर्ड्सवर्थ वॉज पोइट ल्यूरेट फ्रॉम 1843। वर्ड्सवर्थ पोइट ल्यूरेट कब बना था, 1843 में, अंटिल हिज डेथ फ्रॉम प्लूरसी ऑन 23 अप्रैल 1850। उसके फेमस जो वर्क्स है वो है, उसने बहुत सारी क्रिएशन लिखी थी, उनमें से मैंने मोस्टली नहीं, मतलब हो सकता है जितना उसने लिखा था सब लिखने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है। दैट इज फर्स्ट इज लिरिकल बैलाड्स विद ए फ्यू अदर पोइम्स, ये हुआ था 1798 में। सेकंड था वी आर सेवन, थर्ड था साइमन ली, नेक्स्ट एंड लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल्स टर्निड, द थ्रोन, लाइन्स कंपोज ए फ्यू माइल्स अबाउ टर्न एबे। नेक्स्ट वर्क है लिरिकल बैलाड्स विद अदर पोइम्स 1800, दो शायद इसने पार्ट लिखा था लिरिकल बैलाड्स का, एक 1798 में और एक 1800 में। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पेशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, 3 years सी ग्रू, ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, आई ट्रेवल्ड अमंग अनोन मैन, ल्यूसी ग्रे, द 2 अप्रैल मॉर्निंग नटिंग द रूइन कोटेज, माइकल द किटन एट प्ले, पोइम्स इन 2 volumes 1807, रिसोल्यूशन एंड
इंडिपेंडेंस आई वॉन्डर्ड लोनली इज ए क्लाउड ऑल्सो नोन एज डेफोडिल्स माई हार्ट लिप्स अप ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी ओड टू ड्यूटी। ओड भी बहुत से लिखे थे जिसके बहुत फेमस हुए थे, इसकी मोस्टली कोई ज्यादा फेमस हुए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो एक तो लिरिकल बेलार्ड थी और एक द प्रील्यूड थी और एक और भी आगे थे द सोलिटरी रीपर। ये भी बहुत फेमस पोइम थी जो एक मतलब धान काटने वाली लड़की के गाने के बारे में वर्णन करता है इस पोइम में वो, और बहुत ही मतलब उसका गाना बहुत सुंदर बताता है जो कानों को लुभाने वाला रहता है। एक रहता है इलेजियक स्टेंजा कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज September 3, 1802 लंदन 1802 लंदन इसने भी लिखी थी। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये भी बहुत फेमस पोइम थी। टू द कक्कू ये भी इम्पोर्टेंट पोइम है। द एक्सकर्जन लॉर्ड मिया द वाइट डोई ऑफ राइलस्टोन पीटर बेल इक्लेस्टिकल सोनेट्स ये बहुत फेमस पोइम है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। द प्रील्यूड लास्ट है द प्रील्यूड, ये हुए इसके फेमस वर्क्स जो इसने लिखे थे। इनमें कई बहुत फेमस है, कई बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेनी एग्जाम्स। एमए और बीए स्टैंडर्ड के लिए इसके जो नेचुरल पोइम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द सॉलिटरी रीपर, द प्रील्यूड, लिरिकल बेलार्ड्स और एक और पोइम था टू द कक्कू, ये फेमस पोइम है, इंपॉर्टेंट पोइम है। वर्ड्सवर्थ वाज कॉल्ड बाय सेली पोइट ऑफ नेचर। पोइट ऑफ नेचर किसने कहा था? पीबी सेली ने कहा था। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। He too called himself a worshipper of nature, जो खुद भी एक worshipper of nature के नाम से जाना गया था। कौन? P.B. Shelley खुद। He held a firm faith that nature could enlighten the kinder-heartedness and universal brotherhood of human being and only existing in harmony with nature where man could get true happiness। नेचर में ट्रू हैप्पीनेस पा सकता है, ये किसका सेंस था? ये था विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ मानता था कि जो मैन का या ह्यूमन बीइंग का जो मैन सोल का जो आंतरिक शांति है वो नेचर में है। नेचर के थ्रू एक इंसान बहुत अधिक पीसफुली माइंड गेट कर सकता है, पीसफुली माइंड को फील कर सकता है, पीस को एकदम अपनी रूह में फील कर सकता है, ये वर्ड्सवर्थ का मानना था। वर्ड्सवर्थ मेक्स क्लियर दैट द लव ऑफ नेचर दैट ही इम्बॉडीज इज पार्ट ऑफ हिज प्रिशॉट ऑफ पोएटिक ब्यूटी। उसकी पोएटिक ब्यूटी का जो पार्ट था वो क्या था? नेचर और नेचुरल एलिमेंट्स यूज करके वो अपने पोएटिक को एक बेहतरीन इफेक्ट देने की कोशिश की थी, और उसको खुद को भी बहुत लव था नेचर से। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज वर्क वॉज कंसिस्टेंटली द डिस्प्ले ऑफ हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। हम्बल एंड रस्टिक लाइफ का भी इसने यूज किया था, शायद इस सिटी का ज्यादा था क्योंकि सिटी में ये चीजें हम्बल एंड रस्टिक उसको फील होता था। द प्रिमिटिविस्ट फिलोसॉफी ही एडवोकेट्स इज रूटेड इन ए लव ऑफ नेचर। तो ये हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन, इसके उसकी जो फेमस क्रिएशन थी, उसकी जो मेन जो उपाधियां थी वो था नेचर पोइट एंड पोइट लोरेट। उसका जन्म और डेथ के बारे में, उसकी स्पाउस के बारे में और उसकी जो फेमस पोइम्स थी वो मेन मेन मैंने बता दी है। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। लिरिकल बैलेड्स, द प्रील्यूड, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टू द कक्कू, द सोलिटरी रीपर, ये बहुत फेमस पोइम है फॉर मेनी एग्जाम्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।